वर्ष आज उमर शरीफ को एक साल हो गया है, आज उनकी बरसी है और मैं इनके घर पे आया हुआ हूँ इनकी बरसी में। बहुत दुख की बात है कि हमारा इतना अच्छा लेजेंड एक्टर चला गया और ये खला कभी पूरा नहीं हो सकता है। तो आज उनकी बरसी है, आज 2 अक्टूबर 2022 है, तो मैं आया हुआ हूँ उनके घर पे व्यूवर्स, तो मेरे साथ रहिएगा आप। कैसे हैं आप अफजाल कादरी साहब? ठीक हैं, आप भी उमर शरीफ की बरसी में आए हैं, तो कैसे थे उमर शरीफ साहब? मेरा 1986 से ताल्लुक था, हमारा सिलसिला जो शोबिज़ नहीं था वो हमारा सिलसिला गौस पाक सिलसिला था हमारा। ठीक है, तो वहीं सिलसिले में हम कराची में रहे, लाहौर में रहे। ठीक है, और पूरे पाकिस्तान में सब घूमे फिर रहे। ठीक है, तो ये सिलसिला हमारा आज तक कायम दायम इंशाल्लाह, उनकी कमी हमेशा। और जब से उनका इंतकाल हुआ, महीने में 2-3 दिन ऐसे होते हैं वो नज़र नहीं आते ख्वाब में, वरना डेली वो ख्वाब में नजर आते हैं रूहानियत की रूह में। अच्छा, इतनी मोहब्बत है आपको उनसे, अल्हम्दुलिल्लाह। और कैसा गुजरा एक साल उनके बस बगैर? ये देख रहे हैं हम, वीकनेस है बस हमारी एक साल से। अच्छा, टेंशन डिप्रेशन और कोई माशी प्रॉब्लम नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह गौस पाक के हुजूर पाक के वसीले से, लेकिन उनकी एक कमी है। अच्छा, अल्लाह हम सबको सब्र अता फरमाए। तमाम कमी पूरा पाकिस्तान कभी पूरा नहीं कर सकता, वो जैसे इंसान थे, इतने अच्छे इंसान थे, इतने अच्छे एक्टर्स थे। वो कहते थे जी मैं मगर उनकी एक था कि मरने के बाद अगर मुझे जो ख्वाहिश है ना वो ये कि मरने के बाद मनोज जी साहब से मिलूँ, मनोज जी के बड़े आशिक थे, मनोज जी साहब के। अच्छा, उनके बड़े आशिक थे वो, कह रहे मेरे उस्ताद थे, वो मिले नहीं दुनिया में उनके साथ। अच्छा, लेकिन उनकी कब्र में जाते थे, लाहौर में जाते थे। अच्छा, शायद साहब करते थे, उनसे बड़ी उनको अकीदत थी। वीवर देखिए, रूहानी तौर पे भी उमर शरीफ एक अच्छी रूह थी, औलिया कामिलीन के बड़े अकीदतमंद थे, दुनियावी तौर पे भी वो आगे थे, पंजर बाग आला घराने के बड़े अकीदतमंद थे और पक्के अहले सुन्नत व जमात थे। अच्छा, अल्लाह ताला कई बार अकीदत उनको लाहौर में घेरने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा मैं गौस पाक का गुलाम हूँ, गौस पाक का गुलाम हूँ और मौलवी के साथ दुनिया से जाऊंगा। बिल्कुल व्यूवर्स, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप आज उमर शरीफ के लिए दुआ करें। आमीन। कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है तो उमर शरीफ साहब के लिए दुआ करें, आपकी दुआएं उमर शरीफ को जरूर पहुंचेंगी। जज़ाकुमुल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मेरे साथ मौजूद हैं यूनुस मेमन, सीनियर डायरेक्टर प्रोड्यूसर, और ये भी आए हैं बरसी पे उमर शरीफ की, और ये उमर शरीफ के एक दोस्त भी हैं, उनके साथ इनका बड़ा टाइम गुजरा है, तो इनसे पूछेंगे कि उमर शरीफ कैसे इंसान थे और कैसा गुजरा आपका एक साल उनके बगैर। जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया करीम मौलानी भाई अपना। मैं तो ये कहूँगा कि जैसे आपने कहा कि ये भी आए हुए हैं, मैं तो हूँ ही साथ। मैं हॉस्पिटल में जब तक वो दाखिल थे मैं उनके साथ था, एम्बुलेंस में बिठाने गया उनको, उसके बाद जब जर्मन से इनकी दस्त खाकी आया उसको रिसीव करने भी गए, मैं इनका बेटा और सब इनकी मिसेज भी थी, तो वो हम ले कर रहे तो साथ ही चल रहा था, तस्वीर में भी साथ थे। अब ये कि अपना यहाँ जो है एक साल गुजर गया है जो पता ही नहीं चला, तो बस जाना सबने है कुल नफ्सिन जायकतुल मौत, क्योंकि हर जानदार चीज़ को मौत का जायका चखना है, तो जो आया है उसने जाना तो है, बस अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें, क्योंकि अब जाने वाले के लिए सिर्फ दुआएं रहती हैं उसके कि मैंने ये साथ था, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, ये सब इधर ही रह गई, वो चले गए, सब ख़त्म हो गया, अब सिर्फ वही इनका जो है ना वेल विशर है, उनका जो चाहने वाला है वो हाथ उठा के उमर शरीफ साहब के लिए दुआ करें कि पाक परवरदिगार उनको करवट करवट जन्नत नसीब करें, उनके दर्जात बुलंद फरमाएँ, उनकी मकरत फरमाएँ और उनके सब लवाइकिन को सब्र जमील अता फरमाएँ, उनकी फैमिलीज को सब्र जमील अता फरमाएँ। थैंक यू, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। तला साबरी, अमजद साबरी के भाई, ये भी आए हुए हैं उमर शरीफ की बरसी में, तो इनसे पूछेंगे कि उमर शरीफ कैसे थे और आपके कैसे उनसे ताल्लुकात थे। जी सबसे पहले तो सब लोगों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, और जहाँ तक उमर भाई की बात है, उमर भाई से हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, बहुत अच्छे इंसान थे और बहुत हमारे यहाँ आना जाना, अक्सर बेशतर हलीम में हमारे यहाँ आना, रमज़ान में भी हमारे साथ, और रात रात भर वो हमारे साथ बैठा करते थे अमजद भाई के साथ, अमजद भाई के साथ, हमारे बुज़ुर्गों को जानना, सब लोगों के जान पहचान मोहब्बतें, और उमर भाई से तो हमारा बिल्कुल फैमिली रिलेशनशिप था, और सच बोले पूछे ना तो मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि मैं इतने बड़े इंसान के लिए क्या बोलूँ, तो मैं तो बस उनके लिए दुआ करना चाहूँगा, तो मैं बस उनके लिए दो शेर दुआ के पढ़ देता हूँ। करम मांगता हूँ अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझे से दुआ मांगता हूँ, अता कई तुशाने करीमी कसद का दिला दे इलाही रहीमी
का सदीका, न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किससे, तेरा हूँ मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। आमीन। बहुत शुक्रिया आपका। उमर शरीफ साहब के आपके फैमिली टर्म्स थे, कभी आप आपके घर आते जाते थे उमर शरीफ साहब? बिल्कुल, बहुत हमारी है, मैंने बताया ना आपको, वो हमारे यहाँ अक्सर बेचता रहना जाना रहता था और रात रात भर हमारे साथ बैठा करते थे, भाई के साथ, हम लोगों के साथ। अच्छा। वाले साहब के साथ भी आया करते थे वाले साहब के ज़माने में। अच्छा। और अमजद भाई के साथ तो बहुत उनका दोस्ताना माहौल था और वो हमेशा आके बैठा करते थे। ठीक है। हमारे यहाँ हलीम की दावत में आना, हलीम खाना, रमज़ानों में सहरी और अफ्तारी अक्सर बेशतर वो हमारे साथ भी हुआ करते थे। कितना तो दुख हो रहा है हम लोगों को कि वो चले गए, ऐसा बंदा पाकिस्तान में कभी पैदा नहीं होगा। बहुत बिल्कुल जी, वो बहुत बड़े लेजेंड थे और बहुत के साथ साथ बहुत बड़े इंसान थे, वो बहुत अच्छे इंसान थे। गरीबों की हेल्प भी करते, गरीबों की बहुत हेल्प करना, सारी चीज़ें बहुत कुछ करना, तो बड़ी मोहब्बतें थी उनसे। और बस दिल को अभी तक यकीन ही नहीं आता कि ये लोग छोड़ के चले गए, उमर भाई हमें छोड़ के, और एक साल भी गुजर गया है। बिल्कुल, बस आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इनके लिए दुआएँ करें, बस इन तक हमारी दुआएँ पहुँच सकती है। व्यूअर्स आप भी दुआएँ करें उमर शरीफ के लिए, आज तो हमारी दुआएँ उमर शरीफ तक पहुँच सकती हैं। बहुत शुक्रिया। टीवी एक्टर्स एंड स्टेज एक्टर रऊफ आलम, ठीक है, रऊफ आलम है, इन्हें आपने 50-50 में भी देखा होगा, उमर शरीफ के साथ भी इन्होंने काफ़ी काम किया, आज उमर शरीफ की बरसी में ये भी आए हुए हैं, तो ये अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। तो कितना मिस करते हैं उमर शरीफ को? मिस किया बाकी समझे, हमारे पूरी रूह में वो शामिल है। अच्छा। मिस तो दूर की बात है, पूरी रूह में शामिल है। कितना मतलब उनको याद करते हैं, कैसे इतने बड़े स्टार चले गए यार, अब तो इनका मुकाबला तो कोई भी नहीं कर सकता। नहीं, मुकाबला तो नहीं कर सकता कोई, इनके हयाती में नहीं कर सके तो मरने के बाद अब कौन करेगा। ठीक बात है, ठीक बात है। अभी क्या कहते हो कि ये चले गए, इसके बाद कोई स्टार है जो स्टेज की दुनिया को संभाल सके? है, लेकिन वो अपने नसीब से चल जाए तो और बात है, लेकिन उम्मीदें नहीं है। उम्मीदें नहीं है ना, बहुत दुख हो रहा है हमें आज यहाँ पे आके ना, काफ़ी सारे स्टार्स आए हुए हैं यहाँ पे, तो बहुत दुख हो रहा है कि उमर शरीफ साहब चले गए। आप क्या बोलेंगे उमर शरीफ को, कोई पैगाम तो दें? उमर शरीफ भाई के बस मैं सिर्फ दुआएं दे सकता हूँ उनके लिए कि वो हमारा उनका साथ काफ़ी अच्छा रहा हो, यूनुस के साथ, और उनके खास एक दोस्त है यूनुस मेमन, वो तो तकरीबन उनके साथ ही होते थे यूनुस मेमन खास तौर पर, अभी वही मेरे साथ है, अंदर है वो। ठीक है, मैं यूनुस मेमन साहब का भी इंटरव्यू लूँगा इंशाल्लाह, आपको बड़ी मालूम ज़्यादा उसी से होगी इंशाल्लाह, मैं देता हूँ उनका इंटरव्यू। जी जी। आज उमर शरीफ की बरसी है और आज दुआएं मांगी गई थी उमर शरीफ के लिए, तो सबों ने दुआएं मांगी है, अल्लाह इनकी रूह के दर्जात बुलंद करे, और सब मिल रहे हैं मौलवी साहब से, सब मिल रहे हैं। देखिए नमाज का टाइम भी हो रहा है तो लोग नमाज के लिए जा रहे हैं, दुआ हो रही है उमर शरीफ के लिए, तो मैं ये आपको सुना रहा हूँ, आप भी आमीन बोलना, आप भी दुआएं करना साथ साथ। ढाई लाख कुरान पाक सुभान अल्लाह, 80,000 सूरह इखलास सुभान अल्लाह, ये माशाल्लाह बहुत कुछ पढ़ लेते जी माशाल्लाह, ये बेशक बेशुमार वज़ाइफ हैं और दुरूद ताज हैं, 70,00,000 सूरह यासीन हैं, तो ये बहुत कुछ पढ़ा गया है, 3 लोगों ने अपने उम्रे का सवाब भी पेश किया है, हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, 10,00,000 मजीद दुरूद पाक, हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह से कबूल फरमा, इन तमाम आमाल का सवाब नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। प्यारे आका के प्यारे आका अलैहिस्सलाम के इसाले सवाब की, प्यारे आका अलैहिस्सलाम के वसीले से तमाम अंबिया-ए-किराम, सहाबा-ए-किराम, ताबईन, तबा ताबईन, औलिया-ए-कामिलीन,
بالخصوص بالخصوص سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تمام مسلمین تمام مسلمات خصوصا بالخصوص ہمارے عمر شریف بھائی اور عمر شریف صاحب کی مرحومہ صاحبزادی کی روح کو پیش کرتے ہیں, قبول فرما. اور ان کے خاندان میں جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے, ہمارے خاندان میں جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے, اے اللہ ان سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں, قبول فرما. اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ عمر صاحب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, بالخصوص سرفراز خان صاحب, عبد الوحید صاحب اور ہیرا عمر جو عمر بھائی کی صاحبزادی تھی انتقال ہو گیا, اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے. اللہ ان سب کی بھی مغفرت فرما, ہم سب کی بھی مغفرت فرما. آج توبہ کے بارے میں سنا ہے, اے اللہ ہمیں توبہ النصوح نصیب فرما, ایسی توبہ نصیب کر دے کہ ہم گناہوں والی زندگی چھوڑ کر تیری اور تیرے حبیب کی رضا والی زندگی نصیب فرما. جب دنیا سے جائیں تو ایمان سلامت لے کر جائیں, اور اے اللہ ہماری قبر کو سرکار کے نور سے جگمگا دینا. اے اللہ ہم سب اس التجا کو تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں اور نبی پاک کے وسیلے سے پیش کرتے ہیں کہ میں قبر اندھیری شرکت کروں گا اور سارے سوال کے لیے دعا کروں گا. جامعہ صاحب کا بھی شکریہ.
और मेरे पास अल्फाज नहीं है सर आपके और जितने भी लोग आए हैं आपके आने का, बस मेरे अब्बू के लिए दुआ उनके लिए। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعلى آله وصحبه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله يا رحمن يا رحيم يا يا उमर शरीफ साहब के लिए जितने महबूबीन ने दोस्तों ने अहबाब ने ऐसा कभी मैं सुन रहा था इतनी बड़ी तादाद में सूरह इखलास और इसके अलावा जाने कितने कुरान पाक और उर्दो सलाम कलमा तैयबा सूरह बकरा जो जो कुछ भी पढ़ा गया इसे भी अपनी बात का कबूल फरमा। और मैंने अपनी ज़िंदगी में जो भी आज तक 62 साल की उम्र में नेकियाँ की हैं वो भी सारी नेकियाँ अगर चेक मेरी शान के लायक लेकिन यकीन नहीं है लेकिन जो टूटे फूटे अपने सर से किए हैं जो टूटे फूटे औरात किए हैं बिलखसूस सबसर हज़ार मरतबा जो मैंने कलमा पढ़ा है सबको अपनी बात का कबूल फरमा दें। हमारे उमर शरीफ साहब के शहजादों ने इनकी अहलिया ने इनसे इनके ख़ानदान वालों ने इनसे मोहब्बत करने वालों ने जो कुछ भी इनके ही सारे समाज के लिए आज तक पढ़ा है या कुछ किया है सबका खैरान या सब सभी बात का इन तमाम नेकियों का हदिया तोहफा हमारे अमार के मुताबिक हरगिज नहीं बल्कि अपनी शान अंदाजी हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी शान के मुताबिक इनायत फरमा दें। सरकार के सबके सरकार के वालिदैन करीम औलाद अहले बैत अत्हार पंजतन का साहबा उल्फाए राशिदीन अंसारी मुहाजरीन अज़वाज मुतहरा अहले बैत अत्हार को पहुँचा कर अंबिया सिद्दीकीन शौहरा सालिहीन की मुकद्दस ग़रामत को पहुँचा कर सईद मौलाई मरजाई और गौसे आज़म शेख अब्दुल जीनानी ख्वाजा दाता और फरीद निज़ामुद्दीन बदरुद्दीन कुतुबुद्दीन शेख मारूफ बरफी शेख अहमद कभी दिफाई शेख वाहिदुद्दीन सैलानी तमाम औलिया अब्दाल अख्ताब औतार सलातीन औलिया हम बात करते हैं उमर शरीफ साहब के बेटे जवाद से, तो हम जवाद से बात करेंगे इनके बेटे से, तो आप सुनिए उनका इंटरव्यू। उमर शरीफ साहब के बेटे हैं, हमारे लेजेंड एक्टर हैं उमर शरीफ साहब, तो हमें बड़ा अफसोस है उनका जाने का। और उन जैसा कभी भी बंदा आ नहीं सकता, इतना अच्छा बंदा और इतना अच्छा एक्टर पाकिस्तान में कभी ज़िंदगी में पैदा नहीं हो सकता। तो बेटा हमें भी बहुत अफसोस है आपके अब्बू के जाने का, आपके अब्बू थे और हम पाकिस्तान की जान थे, तो कैसे थे वो थोड़ा सा उनके बारे में बताइए मुझे। वो एक दरवेश सिर्फ इंसान थे, जितने बड़े वो अदाकार थे उससे कहीं बड़े इंसान थे। उन्होंने हमें खिदमत करना सिखाई, लोगों की मदद करना सिखाई, लोगों का काम आना सिखाया, हक और सच की बात करना सिखाई, हमेशा लोगों का साथ देने की बात करी, मदद करने की बात करी। और हमने यही सीखा, लोगों को हंसाना सीखा उनसे, लोगों को चेहरों पर मुस्कुराहट लाना सीखा। और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं मैं उनसे एक ही दुआ करूँगा, एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप मेरे वाले साहब का कोई ड्रामा देखें, फिल्म देखें, टीवी शो देखें, उनको बिल्कुल मैं ज़रूर याद रखूँगा। बिल्कुल मौजूद है शब्बीर भट्टी, एक्टर्स हैं ये, थिएटर करते हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं थिएटर के, पाकिस्तान के बहुत अच्छे एक्टर हैं। ये भी आए हैं उमर शरीफ की बरसी में, तो हम पूछते हैं कि उमर शरीफ कैसे थे, आपकी इनसे मुलाकात रही है? जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? उमर भाई के साथ मुलाकात बिल्कुल रही है और आखिरी तीन चार साल जो थे उमर भाई के साथ मेरे ऐसे थे जैसे हाथ पकड़ के वो मेरा चलना, मेरे साथ आना जाना, गाड़ी में कहीं पे भी जाना होता था वो मुझे फ़ोन करके बुलाते थे कि भट्टी फलां जगह जाना है तो तुम आ जाओ। यहाँ से कि हैदराबाद तक वो मेरे साथ ही गए थे प्रेस क्लब में, जब उनका पज़ीराई हुई थी सैयद फुरकान हैदर साहब की और उमर भाई की, तो गाड़ी मैं ही चला रहा था। बड़ा मतलब अच्छे और नफीस इंसान थे। मैं कहता हूँ कि उमर शरीफ जैसा इंसान, उन जैसा उस्ताद, उन जैसा ना तो कोई आया है ना हमें दोबारा इस दुनिया में कोई मिलेगा। तो एज़ अ इंसान बहुत अच्छे थे, उस्तादों में से उस्ताद, उस्तादों के उस्ताद थे। और यूँ समझ लें कि हमसे यूँ मोहब्बत करते थे कि जिस तरह जवाद और फवाद से मोहब्बत करते हैं या वो अपनी बेटी हीरा से करते थे, तो हमें भी अपने बच्चों की तरह ही वो समझते थे। तो ये कॉमेडी का इतना बड़ा खला था जो कभी भी अब हम जैसे 10 लोग भी आ जाएंगे पैदा होकर के वो खला पूरा नहीं कर बिल्कुल, सकता। बिल्कुल बिल्कुल, कराची का कोई फनकार अगर एक जगह एक मंच पे भी सारे जमा हो जाएंगे तो वो कमी हमेशा रहेगी, जब तक ये दुनिया है तब तक वो कमी रहेगी, उस कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता।
और आप क्या कहते हो, पाकिस्तान को उनके लिए दुआ करनी चाहिए आज? बिल्कुल करनी चाहिए, और पाकिस्तान को क्या, पूरी दुनिया में उनके लिए दुआएं होती हैं। और वो तो मैं कहता हूँ कि एक फरिश्ता सिर्फ इंसान थे, और जहर मरने के बाद इंसान मोहताज हो जाता है दुआओं का। तो जो जो भी कुछ कोई भी पढ़े, चाहे वो पहला कलमा हो, कुरान पाक हो, सूरत यासीन हो, सूरत वाकिया हो, या कुरान पाक से कोई भी सूरत ले ले पढ़े, तो वो एक बार ज़रूर उमर शरीफ भाई को वो बख्शे और उनके नाम करें। प्लीज़ आप उमर शरीफ के लिए दुआ कीजिएगा, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा, कलमा पढ़ लीजिएगा। तीसरा कलमा वो बहुत पढ़ते थे, मैंने सुना है, बहुत इनको शौक़ था तीसरा कलमा पढ़ने का। तो तीसरा कलमा पढ़ लें अगर किसी को आता है मुँह ज़माने। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं अभी भी पढ़ूँगा कि सुभान अल्लाह अलहमदिल्ला वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। मैं तीसरा कलमा अब कसरत से पढ़ूंगा, क्योंकि ये मेरे उस्ताद की दी हुई याद है। यूँ समझ लो कि उन्होंने हमें दे दिया कि तीसरा कलमा मैं पढ़ता था, तो आप लोग भी पढ़ो। बिल्कुल, अब से इसको कसरत से पढ़ा करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका इंटरव्यू देने का। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। तो उनके अंदर एक दरवेश इंसान था, वो हमेशा एक दूसरे के तरह उस फल को लगता है जुड़ा हुआ होता है, तनावर पर से वो सत्ते भी चढ़ जाते हैं जवाब। तो इंसान और हमेशा सिम भाई, एक और बात आपको कहते हैं, ये भी मैं बताना चाहूँगा कि इंसान और आदमी में फ़र्क है। तुम जवाब एक आदमी हो, तुमने इंसान बन के वापस जाना है। तो मैंने उनसे पूछा कि वो आदमी इंसान में क्या फ़र्क होता है, तो कह लेंगे आदमी जो होता है ना, वो अपने लिए सोचता, अपने देखते, अपने लिए बोलता, अपने खाता, अपने पीता, सारे काम अपने लिए करता है। इंसानियत वहाँ से शुरू होती है कि इंसान का हाथ अपना हो और निवारा किसी और को समझ जा रहा हो। तो एक अच्छे इंसान बनो, आदमी तो हम सब लोग हैं, और हमें भी एक अच्छा इंसान बनना है, और हम सब अच्छे इंसान हैं। मुझे निकाल के मैं गुनाहगार इंसान हूँ, लेकिन मैं ये बात ज़रूर यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मैं हर उस आँख का मशहूर हूँ जिसने मेरे वाले साहब को देखा, हर उस कान का मशहूर हूँ जिसने उनको सुना, और हर उस चेहरे का मशहूर हूँ दोनों को देख कर मुस्कुराया, जिसके चेहरे पर भी खुशी लेकर आए। मैं सारी ज़िंदगी आपका कर्जदार और दावेदार रहूँगा। और अब हम वेट कर रहे हैं शेख फारूकी साहब और अपने पुराने दोस्तों में से भी कई दोस्त जो हैं वो अब आ रहे हैं, और अब यकीन करें वसीम भाई, अपनी दोस्तियाँ इतनी पुराने दोस्त हैं, 35-35 साल पुराने दोस्त आज भी वैसे ही हैं, और अब उनकी दोस्ती उसी तरह का है। उन्होंने अपने दोस्ती निभाई, शोएब अंकल भी यहाँ पर है, पुराने दोस्त हो चुके, बहुत बहुत प्यार करने वाले इंसान। और आज क्योंकि आपको को इतना पढ़ा जा चुका है, 2.5 लाख के करीब पढ़कर बख्शे जा चुके हैं, माशाल्लाह से, माशाल्लाह से पढ़ता रहूँगा साथ साथ उनके साथ। 5 लाख दुरूद शरीफ उनको पढ़कर जा चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। 3 उम्रे किए जा चुके हैं अभी तक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 70,000 सूरह यासीन उनको पढ़कर बख्शी जा चुकी है, 50,000 सूरह शरीफ पूरे वाकया पढ़कर उनको बख्शा जा चुका है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 4,55,00,000 दफ़ा उनको पढ़कर बख्शे जा चुके हैं। तो ये लिस्ट कंटिन्यू, लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि जुमा है और नए औलाद छोड़ कर जाना भी समझा जा रही है। कोशिश करेंगे कि उनके नक्शे कदम पर चल सकें, जो काम वो छोड़ कर गए हैं, जिस तरह से वो जो उमर शरीफ वेलफेयर ट्रस्ट है उनके थ्रू वो बहुत मदद करते हैं, तो लोगों की उम्र को लेकर चल सकें, लोगों की मदद कर सकें, किसी के काम आ सकें। और बशीर फारूकी साहब हमारे पास आगे हैं, अरे तकबीर, अरे रिसालत, अरे हैदरी, बख्शीश फरमाए, उनको दर्जात अदल करे, बहुत अजीब नेक खातून, खास तौर पर औलाद के लिए और बिलखसूस उमर शरीफ भाई के लिए। क्योंकि मैं घर में रहता था, ये सब शादी में भी मेरे शरीक था, और ये जवाद, फवाद, विदा सब सामने ही इनकी माशाल्लाह पैदाइश हुई, और उसके बाद ये फैमिली बचपन से, तो उमर भाई के साथ मेरा एक बहुत गुरबत थी, अजीब सा रिश्ता था, जिसको भाई, बाप, उस्ताद, फैमिली मेंबर, इस तरह के रिश्ते थे, तो उन्होंने हमेशा उसका पास भी रखा, और जितनी रियायतें मुझे दी उन्होंने शोबिज़ में, एक ऐसा छोटा भाई होने के नाते उसकी बिना पर मैंने काम भी किया, और फिर मैंने ज़िंदगी में कोशिश की कि उनके अदबो एहतराम में कभी कोई कमी ना आए, और उन्हें मेरा भी काम चल पड़ा। फिर वो दादे भी नवाजते थे, और जिस तरह शक्कर करते थे, पूरी टीम, एक जमाना उनसे मुतासिर, बेशुमार फनकार फॉलो करके आए। एक ऐसा आदमी हकीकत में व्यक्तियता वाली कैफियत है कि उनकी जो चाहत लोगों से थी, लोग जितना उनको चाहते थे। मैंने बड़े बड़े
दुनिया के अजीम आदमी उनका पैर है, देखा है, उनके भी देखा, बहुत सारे हमारे लीडर, बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे और भी एक्टर उनको फॉलो करके, क्योंकि हर एक के लिए ख्वाहिश होती थी खासतौर पर जिसने लीडर बनना हो, बोलने का काम करना हो, कि यार कुछ हम इस तरह का बोले कि उमर शरीफ की तरह हमें इज्जत मिले, उमर शरीफ की तरह क्लैप मिले, उमर शरीफ की तरह हर एक की तवज्जो हम पर हो। और उनके बहुत सारे फॉलोअर मुख्तलिफ शोबों में मौजूद हैं, तो अल्लाह की बख्शिश फरमाए। मेरा वो खास रिश्ता बस अल्लाह का नूर है। हैं हमारे बहुत प्यार करने वाले जितनी भी आपकी मीडिया कम्युनिटी है, मेडिकल कम्युनिटी है, स्पोर्ट्स कम्युनिटी है, बिजनेस कम्युनिटी है, सबका बहुत तहे दिल से मशहूर और शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इतना प्यार दिया मेरे वाले साथ को। वसीम भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अबू का आपका सफर अल्लामा पुरजोश से पहले जाएगी तो मुझे पता है, लेकिन जब पहली मुलाकात हुई और अबू जितना आपसे प्यार करते थे और जितना आपका वो रिकॉर्ड करते थे, आपको छोटा भाई कहते थे, बच्चा कहते थे, आप हमारे घर में जिक्र होता था तो मुझे वो बोलते थे अगर तुम्हारा कोई बड़ा भाई होता वसीम होगा और वसीम है। तो वसीम भाई आप बताइए कि आपके एक्सपीरियंस को जरा सब सुनना भी चाहेंगे पहली दफा में। बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन बस मैं मौके की मुनासिबत से ही मिल के साथ साथ काम यानी मैंने उनको पहले तो फैन देखा, फैन तो आपके मतलब रहे हैं तो रही हैं, लेकिन पहले मैंने उन्हें मतदान की हैसियत से अपने साथ काम करने का एक शर्फ था। और ये सीरीज की आज मुझे दुनिया में नहीं है, जब जब उनके से पहला प्रोग्राम किया मैंने कहा टेलीविजन पर बात की कि मतलब मेरे में जिससे मेरे तो बारे बारे हो गए कि वो आदमी कि हमारे पास पैसे वैसे ज़्यादा होते नहीं थे, तो ऐसा नहीं समझे कभी हमारे पास टिकट खरीदने के कभी पैसे नहीं थे, तो वैसे आठ मासी के बाद में कि यहाँ से मेरे कि वो मछली तो हम देख लेंगे। सर मैंने पहली बार देखा था सब बड़े पड़े सर देख कर आया, बस ये है कि मैंने इतना अल्लाह का इतना नवाजा हुआ देखा होगा, आप यकीन जानिए आप सबने देखा तो है, क्योंकि ज़ाहिर है आप जैसे अगर कोई डॉक्टर होगा तो वो डॉक्टर की रुकी 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 से औकात ज़्यादा बेहतर समझता होगा, कोई इंजीनियर होगी मेरा चूंकि छोटा बहुत मेरा मीडिया से ताल्लुक थोड़ा सा, बाकी तो सनीम भाई जो ज़ाहिर है बहुत सीनियर लोग इसलिए मैं थोड़ा सा बेहतर अगर समझ सकता हूँ, यानी ऐसा इंसान से बात करते हुए कि जैसे आप किसी इंसान से बात नहीं कर रहे हैं, एक कंप्यूटर है, इधर आप बात करते हैं जैसे कंप्यूटर में जवाब दीजिए और वहाँ से जवाब आया ये जवाब आया, इतना पर महर पर मौका पुर पुर बाबानी और इतना जबरदस्त कि इंसान हैरान हो गया कि यार ये बंदा इतना ज़्यादा हाजिर जवाब दे सकता। अल्लाह पाक कबूल फरमाए वसीम भाई, जिस दिल से आपने पढ़ा, जिस दिल से इसी मोहब्बत से हर किसी ने सुना और दिल में ये दुआ की, और अल्लाह पाक सबकी दुआएं कबूल फरमाए, जितने भी लोग यहाँ पर आए सबके गुनाहों को माफ़ कर दी, गुजरा बहुत भारी, यानी कि हर एक दिन एक साल से बड़ा होना गुजरा, लेकिन खुशी इस बात की है कि उनको इतना पढ़कर बख्शा जा रहा है, आज जितने भी लोग यहाँ पर हैं वो उनकी मोहब्बत की वजह से आए हैं, जो प्यार वो दे गए हैं, जो सबक वो दे गए हैं, जो मोहम्मद शरीफ का बेटा है वो हमारे काम आ रहे हैं। मैं जितने भी आर्टिस्ट आज आए यहाँ पर सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, वसीम भाई का, वसीम भाई हमारे पास आए, वसीम भाई से हमने रिक्वेस्ट की है कि वसीम भाई क्योंकि ईद मिलादुल नबी का महीना भी है तो कुछ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सारी तारीफ़ अली खुदा अपने बुजुर्गों के नाम दुरूद व सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आल और उनके असहाब पर, और ज़ाहिर है सबका ईमान है जब चाहे हमारा कितना ही है गम का या अफसर दिल का आलम सरकार का खुशी या सरकार की खुशियों पर हमारे सारे सारे सरकार सरकार का लोगों ने हमारी सारी खुशियाँ कुर्बान जो कुछ है उन्हीं के दर्शन चुके हैं। हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया कौन कौन जो याद मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया सबसे बड़ा सहारा है, इसलिए क्या है, इसलिए क्या ये दरबारे मोहम्मद है अपनों का क्या कहना, ये दरबारे मोहम्मद है अपनों का क्या कहना, यहाँ से
पानी के तर रहे मुरझाया नहीं। बरसी में इनके घर के बाहर टेंट लगा हुआ है जिसमें लोग आए हुए हैं इनके एक साल की बरसी में। आप देख सकते हैं व्यूअर्स, ये हफीज़ अंसारी साहब हैं, ठीक है, सीनियर साहबी हैं। हाँ, तो उमर शरीफ के बरसी में ये भी आए हुए हैं, तो कैसा दुख हो रहा है आपको उमर शरीफ साहब चले गए? देखें, उमर शरीफ साहब एक वैसे पत्रकारी नहीं, एक अच्छे इंसान भी थे, और अब हर वो शख्स जो कि इनके करीब रहा है वो बेहतर तौर पर जानता है कि ये कितने अच्छे इंसान थे। तो मेरी भी इनके साथ बड़ी कुर्बत रही है, दोस्ती रही है, एक साफी होने के नाते जो है मेरे इनकी बड़ी शनासाई थी। और हमने हमेशा यही देखा कि ये अपने फ़न से बड़ी मोहब्बत रखते थे, फ़न के साथ साथ जो है बात से भी बड़े जो है मोहब्बत रखते थे, अकीदत रखते थे। यही वजह है कि आज उनको याद कर रहे हैं, उनके लिए पहली बरसी के ऊपर उनके राजगाह पर उनके बेटे जवाब पहली बरसी में तकरीब भी रखी है। अल्लाह ताला का जन्नत और फिरदौस में जगह था फरमाए, हम दुआ करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इंटरव्यू देने का, बहुत शुक्रिया। साथ मौजूद हैं हसन जान वास्ती, कथक मास्टर और कथक के पाकिस्तान के उस्ताद हैं। ये भी उमर शरीफ साहब की बरसी में आए हुए हैं, तो मैं इनसे पूछता हूँ कि कैसे थे उमर शरीफ साहब और कैसे रही आपकी इनसे मुलाकात ज़िंदगी में? अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, पहली बात तो ये कि बहुत बढ़िया, बहुत माने जाने कलाकार थे, और दूसरा ये कि जिस जहाँ से परवान चढ़े ना, मैं उस इलाके का हूँ, लियाकताबाद का। अच्छा, ठीक है। तो सबसे पहले डायरेक्टर थे इनके, वो थे जान मोहम्मद साहब, वो हमारे घर के बराबर में रहते थे, ठीक है, छोटे से थे, ठीक है। तो वो जिस होटल में बैठते थे, नासिर होटल नाम था उसका, ठीक है, अक्सर वहाँ बैठा करते थे, ठीक है। बहरहाल जी, इतने बड़े नाम थे, जाने माने फनकार थे, और पूरा हिंदुस्तान जो इस कॉमेडी शोबे से है वो सब उनको जो है अपना उस्ताद मानते थे। कराची के सारे फनकार, स्टेज के इतने भी थिएटर के, कमर्शियल थिएटर के हवाले से या थिएटर के हवाले से, वो सब जो है उमर शरीफ भाई के काम से, नाम से जाने जाते थे। आज जो भी मशहूर है, कि जितना भी काम कर रहे हैं, सब उन्हीं की वजह से काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जी, अल्लाह पाक उनकी मफ़रत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और मैं क्योंकि मैं मेरा काम डांस का है, तो मैं एक चीज़ उनको ट्रिब्यूट करना चाहूँगा कि वो टूरी है कथक की, तू जो नहीं तो ऐसे पिया हम, तू जो नहीं तो ऐसे पिया हम, जैसे सुना आंगना नैन तेरी राह नेता हारे,
नैन इन को तरसा हूँ, अब नैन तो तरस गए, अब नैन तो तरस गए। बिल्कुल अनिल जी, अल्लाह पाक उनकी मफ़रत फरमाए, और जिस तरह वो सबके बाप थे, किंग थे, उस तरह सबको यहाँ मौजूद होना चाहिए था, वो नज़र नहीं आया मुझे। बहरल जी, अल्लाह पाक उनकी मफ़रत फरमाए, और आप देखते रहिए, आप देख रहे हैं, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ट्रैवल विद करीम चैनल को, ट्रैवल विद करीम अली, करीम अली उनके चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका इंटरव्यू देने का। मोहम्मद नईम ऑर्गेनाइज़र हैं, ये उमर शरीफ के साथ, साहब के साथ ही होते थे और शोज़ करते थे उमर शरीफ साहब के साथ। तो हम इनका इंटरव्यू लेंगे, इनसे पूछेंगे कि उमर शरीफ साहब को एक साल हो गया है, आज उनकी बरसी है, तो इनके बारे में कुछ बताएं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बिल्कुल, उमर भाई का तो वाकई एक साल ऐसा गुजरा है कि पता ही नहीं चला। और उमर भाई लातादाद सलाहियतों के मालिक थे, इंटरनेशनल लेवल पे माशाल्लाह बड़े इवेंट्स किए, प्रोग्राम किए, पूरी दुनिया जानती है। तो काफ़ी वो खला कोई पूर्ण नहीं कर सका आज तक और ना कर सकेगा। तो बस हम ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहेंगे कि उनके लिए फातिहा खाने की जाएँ, दुआ की जाए उनके लिए, बस इससे ज़्यादा और क्या कहेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। मौजूद है सोहेल खान, होस्ट एंड डायरेक्टर है, ये उमर शरीफ साहब की बरसी में आए हुए हैं, तो इनसे पूछते हैं कि उमर शरीफ साहब के बारे में कुछ बताइए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, उमर भाई के बारे में मैं क्या बताऊं? अगर मैंने लिखने बैठ गया तो मेरे ख्याल है बहुत सारे किताबचे ख़त्म हो जाएंगे। उमर भाई तो वो लेजेंड आर्टिस्ट थे कि जो बहुत सारे घरों का चूल्हा जलाया करते थे, और जितने जूनियर्स थे वो भी उनकी पैरवी किया करते थे, हमने भी उनसे बहुत कुछ सीखा और सीखते रहे। मैं समझता हूँगा कि आज वो इस दुनिया के अंदर तो नहीं है, लेकिन हमारे दिलों से उनको कोई नहीं निकाल सकता। वो बड़े सगीर पाक व हिंद के दोनों जगह के, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया को अगर हम दोनों को मिक्स कर लेते हैं, तो उन दोनों के जितने भी कॉमेडियंस हैं वो इनको फॉलो करते थे, इनके ऊपर चलते थे और पैसे कमाते थे। जो टीन की छतों में रहा करते थे फनकार, या कच्चे मकानों में रहा करते थे, वो उमर भाई की कॉपी कर करके उन्होंने कई कई मंजिला इमारतें बनाई। ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट है उमर भाई का, और बहुत ही हरदिल अजीज़ इंसान थे, एवरीबॉडी नोज़ अबाउट हिम। मैं अगर ये बताऊं कि वो किन किन लोगों की खिदमत किया करते थे, ये मदद किया करते थे, या किन किन घरों के चूल्हे जलाया करते थे, तो मैं समझता हूँ कि अब ये बातें बहुत जगह हो चुकी हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उमर भाई जैसा, मोइन अख्तर जैसा लेजेंड फनकार अब इस पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मुझे कोई नज़र नहीं आता। बस एक दुख ये है कि हमारे इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं कि इंडिया से कॉलें आ रही हैं उमर भाई के लिए, लेकिन हमारे पाकिस्तान कराची के अंदर रहते हुए चंद फनकार जो हैं वो यहाँ पर नहीं आ सके, इसका मुझे ज़रा मुझे भी दुख है। इतने सारे लोग इनके आगे पीछे घूमते थे जब ये हयात थे, दुनिया में थे, और आज इनकी बरसी है तो चंद लोग आए हैं, मुझे बहुत दुख हो रहा है जी। और मुझे बहुत, मैं भी नाराज़ हो रहा हूँ सारे स्टार से कि आप इनके साथ साथ थे जब वो थे, तो आप उनकी बरसी पर नहीं आए जी। तो बहुत बुरी बात है, आपको आना चाहिए था, 5 मिनट के भी एटलीस्ट आना चाहिए था, आपको अटेंड करना चाहिए थी जी। सर बिल्कुल है, यूनुस मेमन साहब हैंगे हमारे आर्ट्स काउंसिल के ड्रामों के डायरेक्टर, वो हैं हमारे रऊफ़ आलम साहब हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे, वसीम बादामी साहब, वसीम बादामी साहब हैं, सलीम आफरीदी साहब हैं, जाहिद शाह साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारे ऐसे मकादिब फ़िक्र के जो लोग हैं वो यहाँ पर, मगर उनकी तादाद बहुत आटे में नमक के बराबर है। जितना बड़ा उनका ह्यूज उनका एक क्राउड था, उनका एक स्टाइल था, जब वो जिंदा थे तो लोग यहाँ से लेके रोडें भर जाया करते थे, वो चीज़ मुझे नज़र नहीं आई, इसका मुझे बहुत दुख है। लेकिन हमारी दुआएं हमारे उमर भाई के लिए बहुत सारी हैं, अल्लाह आपके दर्जात में बुलंदी अता फरमाए और जन्नतुल फिरदौस के आला मकाम पर फाइज फरमाए, ये सुहेल फरीदी खान का कहना है, आमीन कहूँगा। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया बहुत ज़्यादा आपका। हुआ आज उमर शरीफ साहब की बरसी में आके, और मुझे बहुत दुख हुआ कि बहुत सारे एक्ट्रेस और एक्ट्रेस, फीमेल और मेल एक्ट्रेस जो जब ये दुनिया में थे तो इनके आगे पीछे होते थे, इनकी खुशामदें करते थे, लेकिन आज इनकी एक साल की बरसी में बहुत ही कम लोग नज़र आए। जो लोग नज़र आए मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और आना चाहिए था सबको, मुझे बहुत दुख हो रहा है कम लोग आए। आए काफ़ी सारे लोग, वसीम बदामी साहब आए, सलीम आफरीदी आए, यूनुस मेमन साहब आए, काफ़ी लोग आए, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं आए जो इनके साथ साथ हुआ करते थे। तो मुझे बहुत दुख हो रहा है व्यूअर्स कि इनकी बरसी को एक साल हुआ है, सबको आना चाहिए था, क्योंकि बहुत अजीम अदाकार थे उमर शरीफ साहब, और उमर शरीफ साहब जैसा दुनिया में बंदा कभी कोई नहीं आएगा। तो मैं ये ब्लॉग ख़त्म करता हूँ, मैं मिलूँगा आपसे अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।